नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो एनालॉजीज यानी अनुरूपता से लिया गया है। दोस्तों, ये एनालॉजी का पार्ट टू है और रीजनिंग के क्रैश कोर्स का 36वां वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रिपेसर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, रीजनिंग की हम आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपके 30 में 30 मार्क आएंगे। जैसे जैसे दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए और सभी प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन एनालॉजी पार्ट टू का यह पहला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, यह भी पूछा क्या प्रश्न है, तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन ये है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहले ये देखिए, यहां पे क्वेश्चन में है 431 का संबंध दिया है दोस्तों 12 से। उसी प्रकार से दोस्तों आपको बताना है 345 का क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए एनालॉजी का, तो आपके लिए आसान तरीका बता रहा हूं दोस्तों। आप देखिए क्या करेंगे, पहले ये देखिए 431 को आप क्या करें कि 12 हो जाए, उसी प्रकार से दोस्तों 345 को करके वो संख्या लाएंगे। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 431 है, 431 है, इसको क्या करना है, 12 करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे गुणा भाग ज्यादा नहीं करना है, ये आप स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी नहीं निकालिएगा। पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो 431 है किन संख्याओं से मिलकर बना है, 4, 3 और 1 से। इसको क्या करिए दोस्तों, आप आपस में एक बार जोड़िए। देखिए जोड़ने पे क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 4, 3, 7, 1, 8 हो रहा है, 12 नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब एक बार गुना करिए इसको आपस में। देखिए गुना करने पे क्या 12 हो रहा है, समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। तो 4 3 12 और 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा। आपस में गुना करने पे दोस्तों 12 हो रहा है। तो 345 जो है दोस्तों, ये किन संख्याओं से मिलकर बना है, ये मिलकर बना है 3, 4 और 5 से। इसको भी क्या करिए, आपस में गुना ही करिए। तो 3 चौक को 12, 12 बच्चे 60, गुना करने पे क्या आया दोस्तों, 60 आया। तो अब देखिए 60 किसी ऑप्शन में है, तो देखेंगे हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। तो यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों, 60 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं, सभी प्रश्नों को नोट दोस्तों जरूर करिएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन वही है, कहने का मतलब है 12 का संबंध जिस प्रकार 7 से है, उसी प्रकार से 16 का संबंध किससे होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा, यह आपको बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिएगा 12 को क्या करें कि 7 हो जाए, तो 12 में से हम 5 कम कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 16 में से भी क्या करेंगे, 5 ही कम करेंगे। तो जब 16 में से 5 कम करेंगे तो 11 होगा। देखिए 11 किसी ऑप्शन में है, तो देखेंगे नहीं है, तो क्या करेंगे, हम दूसरे तरीका से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो किसी अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अलग तरीका क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 12 को क्या करना है, 7 करना है। अगर दोस्तों मैं बोलूं 12 को आप 2 से भाग कर दीजिए, आधा कर दीजिए, कहने का मतलब है, तो क्या होगा, 6, और 6 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या होगा दोस्तों, 7, यानी कि आधा करके 1 जोड़े हैं। उसी प्रकार से 16 को भी 2 से भाग करिए तो होगा क्या, 8, अब इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 9, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 9 आएगा। 9 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर शेयर जरूर करिए। और जो नए स्टूडेंट है दोस्तों, हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी
भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों अभी हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद दोस्तों हम सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, सभी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, मन लगा के प्रिपरेशन करिए, अच्छे से तैयारी करिए। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न वही है दोस्तों, क्या है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले देखिए पहले में क्या है, ये बोल रहा है DE, DE को दोस्तों 10 लिखा है, उसी प्रकार से दोस्तों हम HI को क्या लिखेंगे यहां पे आपको बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करिए थोड़ा सा नंबरिंग करिए। नंबरिंग कहने का मतलब है डी कितने नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है कहने का मतलब है कि ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, डी कितने नंबर पे आता है, चार नंबर पे आता है, और ई दोस्तों कितने नंबर पे आता है, पांच नंबर पे आता है। तो दोस्तों हम चार पांच को क्या करें कि दस हो जाए, चार पांच को जोड़ेंगे नौ होगा, गुना करेंगे बीस होगा। तो देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, बीस होगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, चार गुने पांच कर दे तो क्या होगा, बीस, और बीस को दोस्तों हम क्या कर दे, आधा कर दे यानी दो से भाग कर दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दस हो जाए। अब इसी प्रकार से आगे वाले को देखिएगा क्या करने पे आंसर आ रहा है कि नहीं, H कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 8 नंबर पे, I कितने पे आता है दोस्तों, 9 नंबर पे, दोनों का आपस में गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 होगा। 72 को क्या करिए, 2 से भाग कर दीजिए यानी आधा कर दीजिए तो क्या होगा दोस्तों, 36 होगा। तो देखिए क्या 36 किसी ऑप्शन में है, देखेंगे हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 36 होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा दोस्तों, यहां 36 होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यानी प्रश्न को हम कैसे सॉल्व किए, नंबरिंग कर दिए, दोनों संख्याओं को आपस में गुना करके आधा कर दिए, आंसर आ गया। इसी प्रकार से HI का भी कर लिए, 8 9 72 का आधा कर दिए, 36 इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्न चिन्ह कहाँ है, यहाँ पे, यहीं पे पूछ रहा है। तो देखिए पहले ये कर क्या रहा है दोस्तों, 95 को 105 लिखा है, उसी प्रकार से 89 89 को दोस्तों हम क्या लिखेंगे, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 95 को 105 लिखा है, यानी 95 में क्या किया है, 10 जोड़ दिया है, तो 89 में भी 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 99 होगा, लेकिन 99 देखिए किसी ऑप्शन में है, नहीं है, तो प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। जब ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को एक बार और ध्यान से देखिएगा, 95 105 ये ध्यान दीजिए, ये 95 है क्या, ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और इसमें से 5 कम कर दिया है, ये 105 है क्या दोस्तों, 10 का स्क्वायर प्लस 5 लिखा है, समझ रहे ना, 10 का स्क्वायर 100 में 5 जोड़ा, पहले में क्या 10 का स्क्वायर करके 5 कम कर दिया, दूसरे में क्या किया दोस्तों 10 का स्क्वायर करके 5 जोड़ दिया, इस प्रकार से समझ रहे ना। इसी प्रकार से ये दोस्तों 89 जो 89 है ये क्या है दोस्तों, ये 10 का स्क्वायर माइनस 11 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 11 कम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 89 होगा, समझ रहे ना। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर प्लस 11 होगा, पहले में क्या है माइनस 5, दूसरे में प्लस 5, तो इसी में क्या होगा दोस्तों, माइनस 11 किया तो कितना प्लस करेंगे, प्लस 11 करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 में 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 111 होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 111, देखिए किसी ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, सेकंड वाले चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, उसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पर जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों मैं कुछ बेसिक मैथ पढ़ा हूँ, बेसिक मैथ कहने का मतलब है पार्ट वन से लेकर पार्ट फाइव तक बेसिक मैथ पढ़ा हूँ, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम एसीएफ निकालना पदसांतर करना तिरिय गुणनखंड करना ये सारी जो भी बेसिक होती है मैथ वो वहां पे कंप्लीट किया हूं और परसेंटेज के भी चैप्टर चेकअप कराया हूं। ठीक है, तो उस चैनल से जुड़ के आप लाभ जरूर उठाइए, बेसिक मैथ को आप जरूर स्ट्रांग कर लीजिए। बेसिक मैथ स्ट्रांग रहेगा तो कितना हो बड़ी कैलकुलेशन होगी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसे आप जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है और हम आपको बता दें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं तो आसान तरीका बता रहा हूं। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन यह है दोस्तों, जिस प्रकार से 23 को 25 लिखा है उसी प्रकार से 36 को हम क्या लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आसान भाषा में तो आप ऐसे कह सकते हैं 23 में 2 जोड़ा है, 36 में भी 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 38 होगा, लेकिन 38 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, कुछ दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। तो दूसरा रूल क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 23 को 25 लिखा है तो ये जो 23 है दोस्तों 23 है किन संख्याओं से मिलकर, 2 और 3 को आपस में जोड़ दीजिए तो क्या होगा 5। अब इस क्या करिए दोस्तों, 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 25, और इसी 25 को यहां लिखा है। समझ में आया, चलिए सेकंड वाले में चलेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। 36 3 और 6 से मिलके बना है ना, 3 और 6 को आपस में जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और 9 का दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए, जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, 9 × 9 = 81, यही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 81 होगा। देखिए 81 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार और समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 23 दो तीन से मिलकर बना है, दो तीन जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, ये 36 है दोस्तों, 3 6 से 3 6 जोड़ेंगे 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, आप लोग अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, और जो नए स्टूडेंट हैं इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो करिए। इन सब का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अगर लिंक के थ्रू दोस्तों आप क्या बोलते हैं उसको टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम पे समय समय पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ और जो नए वीडियोज होती है उनकी लिंक भी देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ही समाप्त होंगे उसके बाद सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट की भी क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मन लगा के प्रिपरेशन करिए, अच्छे से तैयारी करिए। कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके दोस्तों हमसे जरूर पूछिए, उस कमेंट का आंसर हम जरूर देंगे। आप अच्छे से बस करना क्या है, पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के प्रिपरेशन करिए। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।